की दिल्ली से मिल रही खबर के साथ। अफगानिस्तान मुद्दे पर 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान की पूरी जानकारी देगा। नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी को लेकर जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय और वायुसेना मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के सफल प्रयासों की जानकारी देश के सभी दलों को दी जाए और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया। तो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी और विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान की पूरी जानकारी देगा। नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी को लेकर जानकारी दी जाएगी। और एक राहत भरी खबर इस बीच आपको बता दें, काबुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज दुशांबे से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी है। दुशांबे से अफगान, सिख और हिंदू परिवार दिल्ली आ रहे हैं। 78 भारतीय आज हिंदुस्तान आ रहे हैं। कल 146 भारतीयों ने वतन वापसी की। 78 भारतीय आज हिंदुस्तान आ रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो दुशांबे से अफगान, सिख और हिंदू परिवार दिल्ली आ रहे हैं। 78 भारतीयों को हिंदुस्तान लाया जा रहा है। कल 146 भारतीयों ने वतन वापसी की। काबुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। दुशांबे से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी है। 78 भारतीयों को लेकर विमान हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लगातार वतन में वापस लाने का सिलसिला जारी है और 78 भारतीय आज हिंदुस्तान आ रहे हैं। 146 भारतीयों ने वतन वापसी बीते दिन की थी।